सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमडी सारिन, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एमएस के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वीडियो नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को ये वॉल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लोगो वगैरह डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी लगी थी आपको, आपने इस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वीडियो को लाइक भी किया। तो फाइनली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, इसलिए मैंने इस वाली वॉल को भी कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको ये वाली वॉल दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले आप पहले देख लीजिए मैंने इस वीडियो में इस वॉल को कैसे डेकोर किया है, कैसे बनाया है, उसके बाद मैं आपको इस वॉल को पूरी डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरीके की प्लाई का एक पूरा पीस ले लिया है, जिसके अंदर से मैं कुछ स्ट्रिप्स कट करूंगा, जिनकी मदद से फ्रेंड्स हमारी वॉल के ऊपर हमारा सामान रखने के लिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। फ्रेंड्स, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप चाहे उस तरीके से बॉक्स या डिज़ाइन जो आप चाहें वो दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं उस पूरे पीस को यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, हम हमारी पास वाली वॉल के ऊपर न्यूज़पेपर सेट कर देंगे ताकि हम इधर वाली वॉल के ऊपर कलर करें तो पास वाली वॉल ख़राब ना हो, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के न्यूज़पेपर ऐड किए हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कलर का डिब्बा ले लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चॉकलेटी कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप चाहें उस हिसाब से कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रश, रोलर और कुछ टूल्स जो कलर करने में यूज़ आते हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब फ्रेंड्स, हम कलर को शेक करके उसे ओपन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंडिगो का डिस्टम्बर कलर व्हाइट कलर का यूज़ किया और कुछ इस तरीके की एमडीएफ बोर्ड की रिंग कट कर ली है। अब फ्रेंड्स, मैं इस कलर को जो है किसी बॉक्स के अंदर निकाल के उसमें पानी निकाल के अच्छे शेक करके उसके बाद इन रिंगों की मदद से हम दीवार के ऊपर रिंग बनाएंगे।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल फूलों की माला का यूज किया है, जिसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन में लगा लूंगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये वाली जो वॉल है वो बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है और कितनी हमारी वॉल जो अमेजिंग लग रही है। फ्रेंड्स, बहुत यूनिक, मतलब एक कहते ना यूनिक डिजाइन वो लग रही है। फ्रेंड्स, ये फ्रेम वगैरह और फ्रेंड्स ये गैजेट्स के बॉक्स और ये छोटे छोटे पॉट्स और फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लाइटनिंग वगैरह, मैं आपको ये वाली लाइट बंद करके बताता हूँ, सिर्फ इस लाइट में आप देखेंगे तो ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपली ये वाली लाइट ऑन है और ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये वाली वॉल बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के अंदर, इस वॉल को डेकोर करने में। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स बहुत छोटी छोटी दिक्कत आती है कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी न्यू क्रिएटिव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कत आती है, लेकिन आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स प्लीज, आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और दिल से कह रहा हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। रियली सॉरी कि कुछ टाइम से वीडियो लेट हो चुकी है, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो जो भी हो आपको रेगुलर में दे दूंगा, क्योंकि ये सेटअप जो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे सवाल था कि क्या मैं टेक्निकल चैनल भी यूट्यूब के ऊपर ओपन कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास टेक्निकल वीडियोस भी बहुत सारी हैं और मैं टेक्निकल वीडियोस भी बना सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए क्या मैं टेक चैनल ओपन कर लूँ। अब मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।